Hey guys, welcome back to my YouTube channel GDC Academy. Hopefully आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4th है हमारा, उसमें द्विघात समीकरण की जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक हम जो है क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन फोर्थ को सोल्व करने वाले हैं, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है और हमको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। इसने बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ऐसे कब होता है, जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो तभी तो 2 आएगा, या 2 में 1 को ऐड करेंगे तो तभी तो 3 हमारा आएगा। यानी कि पहले वाली संख्या में 1 ऐड करके हमारी दूसरी संख्या आती है, तो वो होते हैं क्रमागत संख्या, यानी कि एक क्रम में 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है। अब हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो हम मान लेते हैं जब हम इसको हल करेंगे तो यहां लिख लेंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। पहली संख्या x हो जाएगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1, तभी तो 2 आता है हमारा। जब 1 में हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो तभी तो नेक्स्ट जो हमारी क्रमागत संख्या आती है वो ही आती है। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार इसने क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब वर्गों का मतलब इन दोनों संख्याओं का जो वर्ग करके योग आएगा, कैसे, यहां देखिए दो संख्याएं कौन सी है, पहली तो ये है, इसका वर्ग करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर, क्या बोला था, जिनके वर्गों का योग मतलब प्लस, दूसरी संख्या क्या थी, एक्स प्लस 1 का वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर, इन दोनों को योग करके कितना आ रहा था 365, तो ये हो जाएगा 365। अब ये स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बन चुकी है, अब करेंगे हम इसको सॉल्व। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब यहां पर जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर ए को मान लो क्या, ए हो जाएगा आपका एक्स और बी हो जाएगा आपका 1, यानी कि इनकी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो ये वाला फॉर्म है ये खुल करके आ जाएगा। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का, यानी कि ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा एक्स, तो यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी क्या है 1, तो यहां 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, जुड़ जाएंगे आपस में, बीच में प्लस है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, प्लस 2 1 2 साथ में x है तो 2x इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब सिंपल क्या हो जाएगा, इस 365 को इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर देंगे, x वाला टर्म पहले आएगा यानी कि प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में है तो इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा -365 इज इक्वल टू 0, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस यानी कि घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कर देंगे तो 364। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, माइनस बड़े नंबर का सिंबल आएगा इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको देखेंगे तो यहां पर हमें तो द्विघात समीकरण चाहिए, लेकिन इसके साथ 2 जो है कॉमन आ जाएगा, कैसे वो देखिए, इसको छोटा बना देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 182 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इन तीनों में क्या है, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इसका 2 कॉमन आ चुका है, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मान के चलो एक्स, क्योंकि इसका भी 2 जो है बाहर आ चुका है, यहां माइनस है तो माइनस, इसमें हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था 182 मल्टीप्लाई 2, इसका 2 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा 182 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में चला जाएगा तो डिवाइड करके 0 ही आएगा, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। अब डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, दैट मींस हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से या तो मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही आती है, तो ये 0 आ चुकी है। अब इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण हमारे पास आ चुकी है, तो जब हम इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो
इसमें क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, वन मान लो, वन की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सेम आएगा, दैट मींस इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको या तो प्लस करने का या माइनस करने का हमारा क्या आ जाए, हमारा 1x आ जाए। कैसे, देखिए इसके हमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, तो 182 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये दो से हो जाएगा, दो नंबर 18 और दो एक कम दो, फिर ये 7 से जाएगा, 13 सत्रह 91 और ये हो जाएगा 13। तो यानी कि दैट मींस ये क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 14 और 13, ये 14 बन जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 3 4 12 का 2, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो क्या कितना आ रहा है, 3 4 12 का 2, 1 कैरी, 3 बनजा 3, 1 कैरी है तो 4, फिर 14 बनजा 14, 2 8 1, ठीक है। यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 14 और 13 लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 13 घटा देंगे तो 1, अब x ये तो x लिख देंगे यहाँ, तो दैट मीन्स 1x 1 हम लिखते हैं, दैट मीन्स हमारे पास x आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 14x - 13x - 182 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दो दो के पेयर बनाते हैं ना हम, तो ये दो दो के पेयर बना दिए, इन दोनों में कॉमन x दिख रहा है तो x आ जाएगा, ठीक है। इसका एक x बाहर आ चुका है तो अंदर बचेगा x, प्लस इसका भी x बाहर आ गया तो दैट मीन 14 बचेगा, ठीक है। यहां माइनस कर देंगे, देखो यहां 13x है, इसको हमने क्या लिखा था, 14 × 13, दैट मीन इसका 13 और ये वाला 13 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ माइनस में चाहिए तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा हमें, यहाँ लिख देंगे x प्लस, इसका क्या बच रहा है, 13 तो हमारा कॉमन आ चुका है, क्या बचा 14, तो यहाँ बच जाएगा 14 = 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये भी सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, तो इनमें से कॉमन ले लेंगे तो एक आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14, ये कॉमन आ चुका है, अब क्या बच रहा है, x माइनस 13, ये बचेगा x माइनस 13। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, हमने तो ये निकाल दिया है, अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां लिख देंगे यदि, क्या यदि क्या हो जाएगा, x प्लस 14 लेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 14, क्योंकि ये प्लस में इज इक्वल टू में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम चीज दूसरा, यदि हम क्या लें, यदि हम लेंगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब इसने पहले ही बोला था कि हमें क्या चाहिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो ये वाला तो हमारा माइनस में आ रहा है, दैट मींस हम इसको नहीं करने वाले आगे सॉल्व, ठीक है, इसको करेंगे। तो हमने x क्या माना था, x मानी थी हमने पहली संख्या, तो यहां लिख देंगे अतः पहली संख्या क्या आई हमारी, x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू 13, यानी कि पहली संख्या 13 होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमने क्या ली थी, x प्लस 1, तो x की वैल्यू हमारी 13 आई है, तो 13 + 1 = 14। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पहली संख्या भी निकाल ली है, दूसरी संख्या भी निकाल ली है, हमको यही निकालना था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, वो निकालने थे हमने धनात्मक पूर्णांक, हम निकाल चुके हैं, पहला जो नंबर यानी कि पहली संख्या जो है वो है 13 और दूसरी संख्या है 14, यही क्या बनेंगे हमारे आंसर, यही क्या बनेंगे आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 था उसका क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सॉल्व कर लिया है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वैसे तो अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेहिचक होके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इसने हमारे पास क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और उसके लिए स्टेटमेंट दे रखी है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये दो, ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसने कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने स्टेटमेंट क्या बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसके ऊंचाई मतलब ये जिसको हम लंब बोलते हैं, तो इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यानी कि अगर मैं आधार को x मान लूं, क्या अगर मैं आधार को x मान लूं, तो इसने बोला है आधार से 7 कम है, तो आधार से 7 कम है यानी कि -7 कम है ये वाला लंब आपका जो है, यानी कि ये ऊंचाई, तो इसको नाम भी दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे पहले हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज का आधार, संपूर्ण त्रिभुज का आधार बराबर x, इसको x मान लो, तथा संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई इसने बोला है क्या, ऊंचाई जो है इसकी आधार से 7 कम है, ठीक है, आधार से 7 कम है, ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया। अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास कर्ण दे रखा है, तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय
से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, जिसके लिए क्वेश्चन ऊंचाई कह रहा है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू में पुट कर देंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस आधा कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहां पर जब हम देखेंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगेगा, वो क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए को मान लेंगे हम क्या एक्स और बी को मान लेंगे सेवन, तो इसको पुट करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास सेवन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि टू ए क्या है हमारा एक्स और बी क्या है सेवन, ठीक है, फिर क्या है प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। अब कर देंगे इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस सेवन टू जब 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे हमारे एड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज भी करेंगे, इसको आगे ले आएंगे यानी कि माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब सिंपली इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको समीकरण में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो यहां के माइनस हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें जब हम देखेंगे तो सिंपली इसको और इसको क्या कर देंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये घट जाएगा, तो यानी कि 169 में 49 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 59 यानी कि 20, 100 कितना हो जाएगा 9, यहां पे सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं 169 में 49 माइनस कर देंगे ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 यानी कि 2, ठीक है, और 1 का 1 यानी कि 120 आ जाएगा। तो सिंपली 2x स्क्वायर माइनस 14x सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां भी 2 है, इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई 7x कर सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 16, तो इसका 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, देखो सिंपली क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इस 17x को क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 7x, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लो कॉमन, 2 बाहर ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस ये बचेगा 7x और सिंपली ये क्या बचेगा, यहां भी माइनस है तो माइनस 16 is equal to 0. इस 2 को is equal to के इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि इधर क्या बचेगा x square minus 7x minus 16 is equal to 0 upon 2, ठीक है। अब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमारा हमेशा वैल्यू क्या आती है 0, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा x square, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, हमारे पास समीकरण आ जाएगी, तो यहां लिख देंगे हम x square minus 7x minus 7x minus 60 is equal to 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है, हम क्या करने वाले हैं इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई और फिर हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा 7x आए, तो यहां पर 60 के प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो 60 इधर हो जाएगा 2 से कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से 15 एंड फिर 3 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 जा और फिर 5 से ये आपका 1। अब सिंपली क्या हो जाएगा इसके पेयर बनाएंगे 2 2 4 4 3 जा 12 यानी कि 12 और दूसरा 5, ओके दो नंबर मिल गए। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं और साथ में x लिख दूं तो कितना बचेगा मेरे पास 7x ही बचेगा, ठीक है, और सिंबल इसका आ जाएगा बड़े नंबर का, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब इस 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 5x, तो यहां लिख देंगे 12x माइनस 5x, लेकिन यहां पर ध्यान देना अगर मैं यहां माइनस लिखूंगा तो इसके आगे तो माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा, इसलिए मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो पहले तो जोड़े बना लेंगे, दो दो के जोड़े भी बना दिया हमने, अब इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा इसका एक ही x बचेगा क्योंकि एक x बार कॉमन आ चुका है, बीच में माइनस इसका x बार आ गया तो यहां बचेगा 12, ठीक है, बीच में प्लस ले लो, ओके। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों में क्या बचा, मैं 60 को क्या लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई 5 12 बचे 60 होता है, तो इसका 5 ये वाला 5 जो होगा और ये वाला 5 बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, ठीक है, क्योंकि यहां माइनस ही लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां प्लस लिखता हूं तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा क्योंकि 60 को माइनस में है, इसलिए यहां माइनस लिखना पड़ेगा।
ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस 12 एक हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा, इधर x बच रहा है यहाँ प्लस 5, यानी कि x प्लस 5, ठीक है। अब सिंपली x प्लस 5 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे यदि इज इक्वल टू, यहां जीरो भी आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यदि मैं अगर x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो लूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यदि x प्लस 5 लेता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, देखो अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5, ठीक है। अब जब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, तो हमारे जो ट्राइंगल होते हैं उसमें वैल्यू कभी भी माइनस वाली नहीं होती है, दैट मीन्स हमारा जो ये वाला है, ये वाला हमारा नहीं होने वाला, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। x क्या माना था हमने, x माना था आधार, यानी कि हमारा आधार कितना होगा, 12, तो यहां लिख लेंगे, अतः संपूर्ण त्रिभुज का, संपूर्ण त्रिभुज का आधार, आधार x इज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या निकाली थी, लंब निकाली थी, यानी कि ऊंचाई, तो यहां लिख देंगे तथा संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई, की ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या मानी थी, ऊंचाई मानी थी हमने क्या, x माइनस 7, यानी कि x माइनस 7, तो x की वैल्यू 12 आ चुकी है, यानी कि 12 माइनस 7 इज इक्वल टू यानी कि 5, तो यहां पर हमारी ऊंचाई कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या क्या निकालना था, एक तो आधार निकालना था, आधार हमारा कितना आया है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और हमारी ऊंचाई कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने जो संपूर्ण त्रिभुज था उसकी ऊंचाई और आधार निकाली थी, कर्ण हमको दे रखा था, हमने इसको द्विघात समीकरण के माध्यम से जो गुणनखंड विधि है उससे हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, वो है 6 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, यानी उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जब इसको हल करेंगे, माना कुल बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या नहीं पता, तो यहां मान लेंगे माना कुल बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x। तो स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, तथा प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत, ठीक है। इसने बोला है कि जो बर्तनों की संख्या है उसके दो गुने से, यहां पर देखेंगे जब इस स्टेटमेंट पे, यहां पर इसने बोला है कि बर्तनों की संख्या, यहां से बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे एक नग की कीमत, ठीक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, यानी कि उसने बोला है कि प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन, यानी कि एक नग की कीमत उसने बोली है कि बर्तनों की संख्या के दो गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तथा इसने बोला था कि कुल निर्माण लागत, यानी देखिए कुल निर्माण, निर्माण लागत, कुल निर्माण की लागत कितना है, उसने बोल रखा है टोटल लगते हैं इसमें 90 रुपए, ठीक है। आप करेंगे इसको सॉल्व, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, तो उसने बोला है ये जो बर्तनों की संख्या है इसका और प्रत्येक नग की जो कीमत है कितनी, 2x प्लस 3, इसकी जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, टोटल एक दिन में 90 रुपए आती है। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, क्या बोला इसने कि जो बर्तनों की कीमत है वह एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या के दो गुने से 3 अधिक, और उस दिन जो कुल निर्माण लागत आई थी वो कितनी आई थी, 90 रुपीज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, तो x की 2x के साथ होगी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। ये इज इक्वल टू इधर है, इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब बन चुकी है हमारे पास ये द्विघात समीकरण, इससे आगे क्योंकि सॉल्व नहीं होगा। अब हमारे पास द्विघात समीकरण की जो एक्चुअल में फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और c की वैल्यू ये है। अब हम इनको गुणनखंड विधि से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं फर्स्ट नंबर की गुणा लास्ट नंबर के साथ, यानी कि इस 2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट करते हैं ना हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, तो इसकी गुणा इसके साथ करते हैं तो 2 की 90 के साथ करेगा तो ये होगा हमारे पास 180। फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे दो नंबर लेंगे जिनकी ऐड करने पे माइनस करने पे हमारे पास क्या आ रहे 3x आए, तो पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे,
आपको पता चला ये वन एटी कहां से आया? ये आया हम करते हैं गुणनखंड विधि से कि पहले नंबर की गुणा लास्ट वाले नंबर के साथ करते हैं, तो दो की गुणा 90 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 180, मैंने 180 लिख दिया। फिर हम ऐसे इसके ऐसे गुणनखंड लेते हैं, उनके पेयर बना करके हम दो नंबर ऐसे लेते हैं जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे मेरा 3x आए, तो पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में 2 से जाएगा ये 90 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 2 से यानी कि 45, फिर 5 से ठीक है, फिर 3 से और फिर 3 से ठीक है इस टाइप से। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो पेयर बनता है एक तो बनता है 15 ठीक है, और दूसरा बनता है 2 2 4 और 4 3 12 ठीक है, ये बनता है। तो दैट मींस हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यानी कि इन दोनों को जब बना देंगे तो 3 बचेगा हमारे पास ठीक है, 3 बच गया। देन हम क्या करेंगे इसमें इस 3x की जगह इसको पुट कर देंगे, अब x की फॉर्म है तो यहां x लगा देंगे ठीक है। तो यहां रख देंगे हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन सिर्फ x दिख रहा है, तो x हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहां इसका एक x बाहर आ चुका है तो यहां बचेगा हमारे पास 2x प्लस इधर बचेगा 15। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं क्या 6x को 6 मल्टीप्लाई 2x ठीक है, दूसरा इसका क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 15 ठीक है। तो इन दोनों में क्या छुपा हुआ है, 6 दोनों में कॉमन छुपा हुआ है, तो कॉमन इन दोनों में छुपा हुआ है तो हम बाहर ले लेंगे कॉमन 6x ठीक है, x नहीं लेंगे क्योंकि यहां क्या आ जाएगा हमारा इसके साथ तो x नहीं आएगा, 6 सिर्फ हमारा कॉमन आएगा। देखो आगे क्या होगा, इन दोनों में 6 छुपा हुआ था हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है इसका हमारे पास 2x बच रहा है ये वाला, तो यहां आ जाएगा हमारा 2x और इसका क्या बच रहा है 15। अब देखो यहां अंदर मुझे क्या चाहिए, माइनस में चाहिए तो यहां प्लस लेना पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। आया समझ में कैसे हुआ, एक बार दोबारा बता देता हूं, ये जो हमारे पास 12x है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इन दोनों में लेंगे ना हम कॉमन, तो 12x में 6 मल्टीप्लाई 2x लिख सकते हैं 12 को ठीक है, तो इसमें 6 छिपा हुआ है और 90 को हम क्या लिख सकते हैं 15 96 90 होता है ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या होगा, इसमें भी 6 छिपा हुआ है, बचेगा क्या 15, तो 2x ऊपर वाले 12 में बच रहा है और 15 क्या बच रहा है आपके 90 में। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेटों में सेम आ रहे हैं तो ये आ जाएंगे कॉमन ये और ये, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, एक तो ये आ जाएगा, बाहर क्या बच रहा है x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, इससे आगे इधर करेंगे सॉल्व ठीक है। यदि मैं क्या लूं, यदि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2x is equal to minus 15, x is equal to क्या हो जाएगा minus 15 upon 2, एक तो ये आ गया। यदि मैं दूसरा लूँ, दूसरा क्या, ये वाला x minus 6 is equal to 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 ठीक है। अब बताऊंगा कि संख्या तो माइनस में नहीं आ सकती है, तो दैट मीन्स हमारे क्या हो जाएगी x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमने x क्या माना था, माना कुल बर्तनों की संख्या कितनी 6 आ चुकी है, x माना था, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 6 आ चुकी है, यानी कि हमारे कुल बर्तनों की संख्या कितनी है 6। उसके बाद हमने क्या माना था, प्रत्येक नग की कीमत, उसको हम अब निकाल लेंगे, कुल बर्तनों की संख्या बराबर 6 ठीक है। फिर हमने क्या माना था, प्रत्येक नग की कीमत, तो वो ये थी, यहां लिख देंगे प्रत्येक नग की कीमत, की कीमत हमने क्या माना था, नग की कीमत 2x प्लस 3, 2x की वैल्यू क्या है 6, तो यहां 6 आ जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा 6 2 12 और 3 15, यानी कि प्रत्येक नग की कीमत कितनी है 15 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कुल बर्तनों की संख्या निकाल ली है, प्रत्येक नग की कीमत भी निकाल ली है जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। हमने कुल बर्तनों की संख्या निकाली है, तो कुल बर्तनों की संख्या कितनी आई है 6 और प्रत्येक नग की कीमत कितनी है 15 रुपए, तो हमको क्वेश्चन में यही पूछा गया था, यही हमको निकालना था। अगर कोई भी डाउट रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहे, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए बोर्ड में, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जितने भी हमने किए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें।